मैम, आज देश के सर्वोच्च पद पर एक ट्राइबल महिला, वो आज आसीन हुई हैं, किस तरह से देखती हैं? आज का दिन एक महिला समाज के लिए जो दूर दराज में बैठे हुए एक उम्मीद की आशा लेकर के बैठे हुए थे, और मैं आज कह सकती हूँ कि बाबा अंबेडकर साहब पंडित दीनदयाल जी का सचमुच में आज सपना साकार हुआ है। जिस व्यक्ति के पास तक उम्मीद भी नहीं थी, आज हमारे भारत के सर्वोच्च पद पर शपथ लेकर के कार्य करने के लिए अपना शुभारंभ कर दिया है, तो आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है। और मैं उनके जीवन को पढ़ रही थी, मुझे लग रहा कि जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, चाहे पुरुष हो या चाहे महिला हो, वो कभी पीछे कदम नहीं हटा सकता। आगे बढ़ने के लिए कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, आगे बढ़ने के लिए हौसले बुलंद होने चाहिए, और जब हौसले बुलंद होते हैं तो आप अपने आप पंख लग जाया करते हैं। तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, और एनडीए से बाहर जिन दलों ने सपोर्ट किया है महामहिम आदरणीय द्रौपदी जी को, उन सबका मैं अभिनंदन भी करती हूँ, और एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्वोच्च पद पर पहली बार जनजाति समाज से कोई महिला बैठी है, ये बहुत बड़े गौरव का विषय है। जैसा कि मैम ने कहा, महिलाओं के लिए एक ही प्रेरणा भरा दिन, आप कैसे देखती हैं? निश्चित रूप से देखिए, बहुत बड़ा संदेश है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किसी जनजातीय समूह से लेकर एक बहन को आज राष्ट्रपति के पद पर बिठाना। निश्चित रूप, मैं तो याद करती हूँ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के उस पर व्यवस्था में जब एक बहुत बड़ा सम्मेलन मनाया गया था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हुई थी, तो उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको इस बात का संदेश दिया था कि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और जनजाति समाज के उत्थान के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो, या हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, या हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री हो, सब ने इस विषय को प्राथमिकता में लिया है। और उसका प्रमाण आज देश के राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर उसका प्रमाण हम सबको मिल गया है। बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सब महिलाओं का गौरव बढ़ाया है पूरे देश में। उन्होंने, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जिन्होंने आज शपथ लिया है, उनके माध्यम से हम सब का गौरव बढ़ा है पूरे देश में, भारत देश में महिलाओं का गौरव बढ़ा है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं आज। जी, मैं भी माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आज शपथ ग्रहण समारोह की ढेर सारी बधाई देते हुए, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी एक महिला का सम्मान किया है, और ख़ास तौर पे एक आदिवासी महिला का सम्मान किया है, जहाँ तक लोगों की सोच भी नहीं पहुँच पाती है। तो मैं उनको बहुत अपनी तरफ से, और अपनी पार्टी की तरफ से, और अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से भी उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संसद से कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी।